मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिश्ते कभी भी एक से नहीं होते। इंसानी रिश्ते परिवर्तनशील हैं, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये कहना बंद कीजिए कि किसी ने मुझे धोखा दिया है, बस ये कहिए कि मुझे कोई भ्रम की अवस्था से परम सत्य की ओर धकेल रहा है। हमें उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। मानवता के इतिहास में कहीं भी या आज या भविष्य में इंसानी रिश्ते कभी भी स्थायी नहीं रहेंगे। हालांकि हर इंसान जो थोड़ा सा रोमांटिक बनता है मान लेता है कि यह रिश्ता हमेशा के लिए एक सा रहने वाला है। ऐसी कोई चीज नहीं होती, रिश्ते में बदलाव होता रहता है हमेशा। आपको इसे हर दिन निभाना होता है। एक दिन अगर आपने इसे ठीक से नहीं चलाया तो ये कहीं और जा सकता है। Yes. आया ना? नहीं, कृपया इसे वैसे ही देखिए जैसा ये है। आपको इसे ठीक से चलाना होगा। नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं। जाहिर है कि दूसरे को लगता है कि आपकी पूरी कोशिश उनके लिए काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसके साथ समझौता करें। ये इस बारे में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, ये मेरे कहने की चीज नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि लोग सदियों से ऐसे ही पेश आते रहे हैं और अब भी हैं। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिश्ते कभी भी एक से नहीं होते। कुछ चीजें बदलती रहेंगी, आपको करतब करते रहना होगा। अगर आप 5 गेंदों से करतब कर रहे हैं तो कभी कभी एक गिर जाएगी। इसके लिए काफी हुनर और ध्यान की जरूरत होती है। हाँ या नहीं? आप में से कई लोग शादीशुदा हैं, क्या ये हुनर और ध्यान नहीं मांगती? अगर आप ध्यान नहीं देते तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है ना? अभी अभी किसी ने मुझे यूरोप के एक देश से फोन किया। सदगुरु, मैं बस घर के काम कर रही हूं, मुझे आकर बचाइए, मुझे यहां से अपने आश्रम ले जाइए, मैं बस घर के काम कर रही हूं। वो बर्तन वगैरह धो रही है, वो बहुत अमीर है लेकिन उसके 4 बच्चे हैं, तो हर समय कोई ना कोई काम करने को रहता है अंतहीन तरीके से। और आज काम वाली नहीं आई तो आपको बर्तन धोने पड़ेंगे। 4 बच्चे हैं, आपको बर्तन धोने पड़ेंगे और सारे काम करने पड़ेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, आपको ये समझना होगा कि रिश्ता एक परिवर्तनशील हकीकत है, यह स्थायी हकीकत नहीं है। अगर आप एक स्थायी रिश्ता चाहते हैं तो आपको मरे हुए लोगों से रिश्ते बनाने चाहिए। यही कारण है कि ज्यादातर लोग भगवान को चुनते हैं, क्योंकि वो रिश्ता स्थायी होता है। आप जैसे चाहें इसे संभाल सकते हैं। अगर आपने उनके बारे में 10 दिन तक नहीं सोचा और 11वें दिन आप उनके बारे में सोचते हैं, वो फिर भी वही होंगे। आप वैसा अपने पति या पत्नी या किसी और के साथ कीजिए, तब कुछ और होगा। आप कहीं चले गए, व्यस्त हो गए, भगवान को 3 साल तक भूल गए, आप फिर सोच सकते हैं, तब भी वही होंगे। तो अगर आप स्थायी रिश्ता चाहते हैं तो आपको इंसानों को नहीं चुनना चाहिए। इंसानी रिश्ते परिवर्तनशील हैं, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए कुछ लोग अपने जीवन में यह तय करते हैं कि ऐसी चीजों को संभालने के लिए उनके पास समय और शक्ति नहीं है, तो वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं जहां ऐसा कोई बंधन नहीं होता। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने में मग्न रहते हैं। वो ये परवाह नहीं करते कि उनके आसपास कौन है या क्या है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा, किसी को सजा देने की कोशिश में आप सिर्फ खुद को ही सजा देंगे। वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं,
बेहतर ये होगा कि आप ये देखिए कि आप अपने जीवन से वाकई क्या चाहती हैं। आपको उनके साथ प्रतिक्रिया करने और उनके जैसी बेवकूफी भरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको बस बैठकर इस पर गौर करना होगा जब आपके भ्रम टूट जाते हैं। अभी आपके भ्रम टूट गए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके भ्रम टूट गए हैं तो इसका मतलब है कि जीवन आपको हकीकत के करीब ला रहा है ना? तो ये आपके लिए एक मौका है बैठकर ये देखने का कि मेरे जीवन की प्रकृति क्या है। देखिए, जीवन का ये अंश जीवन का एक संपूर्ण अंश है कि नहीं? क्या ये आधा जीवन है? आप आधा जीवन है या पूरा जीवन? पूरा जीवन। तो फिर ये इतना अधूरा क्यों महसूस करता है कि इसे एक दूसरे इंसान की जरूरत होती है इस जीवन को भरने के लिए? ऐसा क्यों है? इस पर गौर करने का यही मौका है ना? अगर ये पूरा जीवन है तो ये अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन अभी आपने इसे इस तरह से बना दिया है कि ये उसके और उसके और उसके बिना नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं ये एक अधूरा जीवन है, या कम से कम इसको अपनी प्रकृति की पूर्णता का एहसास नहीं हुआ है ना? This is a complete piece of life, packed with creator and creation together, very great combination. ये जीवन का एक संपूर्ण अंश है जो सृष्टा और सृष्टि दोनों से भरा हुआ है, एक अद्भुत जोड़ी। जब जीवन आपके दरवाजे पर इस तरह दस्तक दे रहा है, ये अपने भीतर गहराई से देखने का समय है, न कि किसी दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने और उन्हें सबक सिखाने का। किसी दूसरे को सजा देने से आपका जीवन रूपांतरित नहीं होने वाला, ये आपके जीवन को किसी भी तरह से सुंदर नहीं बनाने वाला। आपको दो दिनों के लिए घटिया संतोष मिलेगा, उसके बाद आप उसके लिए भी अपराध बोध महसूस करेंगी। हाँ, शुरुआत में जब ये भावना तीव्र होती है आपको संतोष मिलता है, लेकिन बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं आपको खुद पर शर्म आएगी। तो उस रास्ते पर मत जाइए, ये एक मौका है, कोई आपके लिए एक आध्यात्मिक आयाम खोल रहा है। वाकई कोई आपको ये एहसास दिला रहा है कि ये सब चीजें कितनी नाजुक हैं। वो आपको धोखा दे सकते हैं, वो भाग सकते हैं, वो तलाक दे सकते हैं, या वो मर सकते हैं, है ना? अगर वो मर जाते हैं तब आप ये नहीं सोचेंगे कि उसने मुझे धोखा दिया, क्या आप सोचेंगे? नहीं। लेकिन चाहे जो हो, आपको वंचित किया गया है ना? महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी चीज से वंचित हो गई हैं। उसने ये कैसे किया सवाल ये नहीं है, चाहे मौत से या तलाक से या धोखे से या आप इसे जो भी कहें, पर मूल रूप से आप वंचित हो गई। आपको सिर्फ इसलिए वंचित किया जा सकता है क्योंकि आप ये विश्वास करने के भ्रम में हैं कि ये एक अधूरा जीवन है और इसे कहीं से दूसरे आधे हिस्से की जरूरत है। नहीं, ये एक संपूर्ण जीवन है। अगर आप एक संपूर्ण जीवन के रूप में विकसित हुए हैं तो आप देखेंगे कि रिश्ते बिल्कुल अलग प्रकृति के होंगे। तब ये साथ आने और साझा करने जैसा ज्यादा होगा, न कि निचोड़ने जैसा। इसे रूपांतरित होना होगा। अगर रिश्ते को रूपांतरित होना है तो आपको रूपांतरित होना होगा। ये एक जबरदस्त मौका है जो किसी ने आपको दिया है। ये कहना बंद कीजिए कि किसी ने मुझे धोखा दिया है, बस ये कहिए कि मुझे कोई भ्रम की अवस्था से परम सत्य की ओर धकेल रहा है। हमें उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए।